आज के सेशन का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत चार प्रोसेस होती हैं, जैसे पहला है रॉ मटेरियल को परचेस करना यानी कच्चा सामान, और दूसरा प्रोसेस होता है वर्क इन प्रोसेस जिसे कहते हैं असेंबलिंग करना, थर्ड प्रोसेस होता है फिनिश गुड्स यानी उसको माल को तैयार करना, और आखिरी प्रोसेस होता है जब माल तैयार हो गया तो उसको हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक दिखा दूँ आपको। एक क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास कि कंपनी परचेस करी है फॉलोइंग आइटम द टेक कंप्यूटर ऑन बिल नंबर 1332। यहाँ पे कुछ आइटम पड़े हुए हैं कंप्यूटर के, यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर रेट है, और इनका टोटल रेट जो है ये यहाँ पे है और ये गोडाउन है। तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा ये मैन्युफैक्चरिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग के तहत मॉनिटर को खरीदा जा रहा है असेंबल करने के लिए। पहला प्रोसेस है कि इसमें मॉनिटर है सौ पीस लिया गया जो 7000 के रेट से है, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आता है टोटल 7 लैक्स। और रॉ आरएमजी का अर्थ यहाँ पर है रॉ मटेरियल गोडाउन। और दूसरा है इसमें मदरबोर्ड खरीदा गया, हार्ड डिस्क, यूपीएस, डीवीडी, रैम 2GB, माउस, कीबोर्ड, कैबिनेट, यहाँ पर ये टोटल अमाउंट है। इसके बाद यहाँ पे कैरीज, इसको मंगाने में सामान अगर मंगाए रहे हैं तो और गाड़ी का किराया तो देना पड़ेगा, इसको हमने ऐड किया है कैरीज के तहत जिसका खर्च हो रहा है 5000 रुपये। सो इस क्वेश्चन को हमें फॉलो करना है टैली ERP 9 के अंतर्गत। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टैली को। यहाँ पे हमने कंपनी बना के रखा है पहले से KIT मैन्युफैक्चरर एंड सॉल्यूशन कंपनी, और यहाँ पर हम इस इसको पूरा फॉलो करेंगे। पहले हमें करना क्या है, अकाउंट इन्फो पे जाना है। अकाउंट इन्फो में जाकर के हमें कुछ काम करना है, जैसे कि पहले हम बैक जाते हैं और गोडाउन को यस कर लेते हैं। तो प्रेस करेंगे हम F11 और F2, यहाँ पे हमें मिलेगा गोडाउन बटन, सो हम इसको यस करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है मेन लोकेशन मल्टीपल लोकेशन, इसको हम यस कर लेंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे ये मिल चुका गोडाउन का प्रोसेस। यहाँ से हम कुछ लेजर बनाएंगे कंपनी का, तो पहले हम कंपनी का लेजर बना लेते हैं। पहले हम बनाएंगे परचेस का एक लेजर, परचेस अकाउंट, और जैसा कि परचेस अकाउंट का अंडर ग्रुप होता है परचेस अकाउंट, इसको हम सेव कर लेंगे। इसके बाद जिस कंपनी से हम परचेस कर रहे हैं उसका हम नाम देंगे जिसे हम खरीद रहे हैं, टेक कंप्यूटर, तो इसको हमने बना लिया। और हम परचेस कर रहे हैं ये देने वाला है, तो देने वाला सिंडिकेटर हो जाएगा, इसको हम सेव कर लेते हैं। और नेक्स्ट होगा हमारे पास कुछ गोडाउन हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो गोडाउन क्रिएट करने के लिए हम इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और यहाँ पर लोकेशन आपको दिख रहा होगा ये वाला प्रोसेस, लोकेशन में हम क्लिक करेंगे और क्रिएट करेंगे गोडाउन। हम बना लेते हैं RMG यानी रॉ मटेरियल गोडाउन, सॉरी इसको हम सेव कर लेते हैं एज इट इज। इसके बाद हम बैक जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमें चार प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। पहला होगा RMG गोडाउन, दूसरा होगा असेंबलिंग गोडाउन, तीसरा होगा शॉप। तो हम अगर चाहें तो एक साथ तीनों गोडाउन यहाँ पर बना सकते हैं, तो हम बनाना चाहें तो यहाँ बना सकते हैं असेंबलिंग, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगा आगे काम करने में असेंबलिंग गोडाउन, इसको हम सेव कर लेंगे। एक हम बनाएंगे शॉप का, बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हमें आइटम क्रिएट करना पड़ेगा जो हमारे पास है, तो हम इनको बना लेते हैं। आइटम क्रिएट करने के लिए हमें इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। इन्वेंट्री का अर्थ होता है वस्तुओं की सूची, तो हम स्टॉक आइटम के अंतर्गत आएंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे कुछ आइटम। नाम हमारे पास है जैसे मैंने दिखा था क्वेश्चन में मॉनिटर, तो मॉनिटर को हम यहाँ नाम ही देते हैं
और इनका हम अंडर ग्रुप रख देते हैं कंप्यूटर पार्ट्स। तो यहाँ पर अंडर ग्रुप बनाने के लिए हम आल्ट के साथ सी प्रेस कर सकते हैं, दिया कंप्यूटर पार्ट्स। हम सेव कर लेना है। और यूनिट्स की बात हो रही है तो आल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम पीसीस ऐड कर देंगे पीस में, और इसका फॉर्मल नेम यानी उसका पूरा नाम लिख देंगे, उसका नाम होता है पीस। और यहाँ पे हम पीस सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हमने सेव कर दिया। और सेव यहाँ पे हमें कुछ ऐड नहीं करना है, केवल नाम देना है। नाम दे करके इसको हमें सेव करते हुए चले जाना है। मॉनिटर हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा मदरबोर्ड। हम बना लेते हैं मदरबोर्ड, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। एक बार बन चुका है तो हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मदरबोर्ड बन गया। हार्ड डिस्क बना लिया। और कंप्यूटर पार्ट्स पीस, इसके बाद बनाएंगे यूपीएस, कंप्यूटर पार्ट्स पीसेस और डीवीडी, कंप्यूटर पार्ट्स इसका अंडर ग्रुप। यूनिट हम ऐड करते हैं पीस में। डीवीडी के बाद बजेगा हमारा रैम, तो इसको हम रैम कर लेते हैं 2 GB। इसको हम सेव कर लेते हैं कंप्यूटर पार्ट्स के अंतर्गत। रैम के बाद हमारे पास होगा माउस, इसको भी सेव कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट बचेगा कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में हमने ऐड कर लिया। एक बनाएंगे हम लास्ट कैबिनेट, कैबिनेट का अर्थ ही हो जाएगा जिसमें हम पूरा कंप्यूटर असेंबल करके रखेंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं बना करके। अब हम बैक जाएंगे और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में था कैरिज, जैसे कि मैंने दिखाया था यहाँ पर, ये ऑप्शन दिख रहा है कैरिज यानी किराया है। तो इस चीज़ को हमें एक चीज़ जान लीजिए कि जो कैरिज एक्सपेंसेस होता है ये, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कैरिज एक्सपेंसेस। तो कैरिज एक्सपेंस जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो हमें एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, ये आइटम से डिफरेंट है। सो लेज़र क्रिएट करने के लिए हम अकाउंट इन्फो में जाते हैं और यहाँ पर लेज़र पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में जा करके हम लिख देंगे कैरिज एक्सपेंसेस, सॉरी कैरिज एक्सपेंस। और ये इसका जो अंडर ग्रुप होगा वो डायरेक्ट होगा, तो हम इसको ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस और इसको सेव कर देंगे। अब बैक जाएंगे, ESC बटन से हम अक्सर इसमें बैक जाते हैं। अब हम आएंगे ट्रांजेक्शन ऑप्शन पे, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर होगा, प्रेस करेंगे हम F9 बटन। F9 बटन से क्या होगा, हमें परचेस करना है। हमें हमारे पास बिल नंबर था 1333, और पार्टी का नाम क्या है वो हम देख लेते हैं। टेक कंप्यूटर से हम सामान खरीदें, यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे पास, एक बार फिर से देख लीजिए। ये हमारे पास है टेक कंप्यूटर से हम सामान खरीद रहे हैं। हम वापस आते हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेव करके परचेस लेजर में परचेस लेजर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो आइटम बनाया है, यहाँ पे हम स्पेस प्रेस करके सब आइटम का लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। हमें बारी बारी सेलेक्ट करना है। लोकेशन की बात हो रही है, स्पेस प्रेस करके आप लोकेशन जो बनाए थे उस इसको देख सकते हैं आप। RMG गोडाउन और पीस जितना है 100 पीस है, तो 100 पीस ऐड करिए और इसका अमाउंट दे दीजिए। इसी तरह से जितने आइटम आपके पास हैं, मॉनिटर हो गया, इसके बाद मदरबोर्ड होगा, आप मदरबोर्ड को ऐड कर लीजिए। यहाँ से RMG गोडाउन 100 पीसेस और रेट इसका ऐड कर लीजिए 35,000। सो हम स्किप करेंगे। इसके बाद होगा हमारे पास हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क हमने सेलेक्ट किया। RMG गोडाउन 100 पीस और इसका अमाउंट जो सेव करेंगे हम। हार्ड डिस्क के बाद हो जाएगा हमारे पास UPS है, RMG गोडाउन 100 पीस, और इसका जो रेट है हमारे पास 1800 रुपये है। सेव करेंगे इसको हम। UPS के बाद हमारे पास DVD है, DVD के बाद DVD को हम RMG गोडाउन रखते हैं और 100 पीसेस के साथ।
और इसका जो रेट है डीवीडी से आता है, डीवीडी राइटर सुम सेव कर लिए, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्यूटर पूरा असेंबल कर रहे हैं। एक कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट चाहिए, रिक्वायरमेंट पार्ट, उसको हम ऐड कर रहे हैं नॉर्मली। तो डीवीडी के बाद हमारे पास बचा है रैम, सो हम रैम को लेंगे। और RMG गोडाउन 100 पीस, रैम हम जो परचेस कर रहे हैं 1700 रुपये, उसको हम सेव करेंगे। रैम के बाद हम लेंगे माउस प्रेस करेंगे, हमने माउस सेलेक्ट किया और RMG 100 पीस रेट हमने ऐड किया 120, सेव करेंगे। इसके बाद माउस के बाद हमारे पास आया कीबोर्ड, कीबोर्ड को हमने RMG में ऐड किया 100 पीस, क्योंकि हम 100 100 पीस अब सारे आइटम खरीद रहे हैं। और यहाँ पर हम इसको ऐड करते चलेंगे। एक और बचा है हमारे पास कैबिनेट, सो कैबिनेट को हम RMG गोडाउन सेलेक्ट किया हमने, और 100 पीस, और इसका अमाउंट सॉरी इसको हम सेव करेंगे। अब ये यहाँ पे स्पेस करेंगे तो हमें आइटम लिस्ट दिखेगा, हमें यहाँ पर एक और इंटरफेस करना पड़ता है। जैसे ही हम यहाँ पर एंड लिस्ट में सेलेक्ट करके इंटरफेस करेंगे, अब हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हमें लेजर। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, सो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कैरिज एक्सपेंस सेलेक्ट किया, और एक और इंटरफेस करके हम अमाउंट वाले सीरीज में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 19,13,000 रुपये का आपने टोटल सामान खरीद लिया है, अब 5,000 जो एक्स्ट्रा वो जुड़ जाएगा इधर कैरिज में, जैसे आप इंटर करेंगे वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो आपने टोटल देखिए आपके पास 900 पीस है पूरा टोटल सामान, और आपका जो अमाउंट है 19,18,000। सो अब हम इसको सेव कर लेंगे। हमारे पास आइटम कितने देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 आइटम है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने आइटम थे देख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, हम इसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं नरेशन में परचेस सम कंप्यूटर पार्ट्स ऑन क्रेडिट, इसको हम सेव कर लेंगे। यस, अब पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, इसे कहते हैं हम लोग परचेस करना, जिसमें हमने पहला प्रोसेस शामिल कर लिया रॉ मटेरियल परचेस कर लिया, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रॉ मटेरियल परचेस। दूसरा प्रोसेस होता है हमारा, दूसरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर, ठीक है, बोलते हैं ट्रांसफर। जो हमने माल खरीद लिया अब इसको हमें ट्रांसफर करना है किसी अदर गोडाउन में जहाँ पर असेंबलिंग का काम हो। देखिए हमने 100 पीस खरीद लिया है, अब जैसा हमें ऑर्डर मिलेगा जिस कंपनी का जिस इंस्टीट्यूट का जहाँ से हमें ऑर्डर मिलता है, 30 पीस का मिला तो हम 30 पीस बना के दे देंगे, 40 पीस का मिला ऑर्डर तो हम 40 पीस बना करके कंप्यूटर्स को देंगे, ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास होता है रॉ मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम RMG टू असेंबलिंग गोडाउन, तो हम अब जो सामान होगा जितना रिक्वायरमेंट होगा उसको असेंबलिंग गोडाउन में ट्रांसफर करेंगे। सो इसको फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टेप होगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे स्टेप होगा अकाउंट इन्फो के बाद आप जाओगे बाउचर टाइप, बाउचर टाइप के बाद आप जाओगे अल्टर पे, इसके बाद आप जाओगे सेलेक्ट करोगे कोई भी, कोई नहीं है आप सेलेक्ट करना, सेलेक्ट जर्नल जर्नल बाउचर, इसके बाद सेलेक्ट करोगे आप वहां पे नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास में प्रेस लिखोगे आप ट्रांसफर्ड, और इतना आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो हम वापस आते हैं अपने टैली पे, ये सी प्रेस करके हम बैक जाएंगे और हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं ट्रांसफर का। अकाउंट इन्फो में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास है बाउचर टाइप, सो बाउचर टाइप पे हम क्लिक करेंगे,
और हमें क्लिक करना है अल्टर पे। देखो अल्टर का मतलब यहाँ पे होता है सुधार करना, मतलब कोई चेंजमेंट करना हो तो हम यहाँ अल्टर से करते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो स्टॉक जर्नल है वाउचर, उसमें हम कुछ ऐड करेंगे नया फीचर। तो हम अल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे जर्नल वाउचर। यहाँ पे देख सकते हैं जर्नल, इसको सेलेक्ट करके इसको हम इंटरफेस करते हुए वापस आएंगे इधर। यहाँ पे एक मिस्टेक होगा, उस चीज़ को हमें केयर करना पड़ेगा। जैसे क्या देख, देखिए यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है स्टॉक जनरल। तो हम स्टॉक जनरल पे सेलेक्ट किया हमने और हम इंटरफेस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास पे हम लिखेंगे ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड, और इंटरफेस करके इसको हम यहाँ पे लिखा हुआ है यूज क्लास फॉर इंटरलोकेशन ट्रांसफर, तो हम यहाँ पे यस करेंगे और इसको इंटरफेस करके इसको सेव कर लेंगे। एक बाउचर पे हमने अमेंडेड, एक बाउचर पे हमने एक सुधार कर लिया, ठीक है। अल्टर इसे कहते हैं, इसको हम वापस ले आएंगे, सॉरी बैक जाएंगे हम। बैक जाने के बाद हमें अकाउंट वाउचर को ओपन करना है और यहाँ पर हमें प्रेस करना है अल्ट के साथ F7, ठीक है। ये ट्रांसफर दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्ट के साथ आपको प्रेस करना है अल्ट प्लस F7 बटन, सॉरी F7 को प्रेस करेंगे हम। इसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगा, सेलेक्ट करेंगे ट्रांसफर, और यहाँ पे हमें लिख रहा हुआ दिख रहा है डेस्टिनेशन लोकेशन। डेस्टिनेशन लोकेशन में हमें मतलब कि कहाँ पे हमें भेजना है। सो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे असेंबलिंग गोडाउन। अब यहाँ पे हमारे पास जो आइटम रहेगा, हम सारे आइटम को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए 100 पीस हमारे पास था, ठीक है। अभी हमें रिक्वायरमेंट हुआ 30 पीस का, तो हम 30 पीस का यहाँ बना सकते हैं। 40 है तो 40 पीस का बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं गोडाउन, RMG गोडाउन में था हमारे पास सामान, तो हम RMG गोडाउन को सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी यहाँ पे डिसाइड करेंगे को इतना कितने क्वांटिटी का आपको सप्लाई मिला है, यानी कितना ऑर्डर मिला है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको 100 पीस का ही ऑर्डर मिला है तो आप यहाँ पर 100 पीस लिख सकते हैं, ऑटोमेटिक इसका प्राइस आ जाएगा। तो हम बारी बारी जितने भी हमारे पास आइटम हैं हम सब आइटम को सेलेक्ट करेंगे। 9 आइटम हमारे पास था, तो RMG सेलेक्ट कर रहे हैं और 100 पीस का हम पूरा पूरा बना रहे हैं। सॉरी यहाँ पे मॉनिटर दे दिया हमने, और हमने हमारे पास जो हमारे पास सीरीज था उसी हम सीरीज को फॉलो करेंगे। एक सीरीज फॉलो करते हैं तो सब एक सिस्टम के साथ काम होता है। हम पीस देते हुए जाएंगे आगे, हार्ड डिस्क हो गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास UPS, RMG गोडाउन 100 पीस, इसके बाद DVD, RMG गोडाउन 100 पीस, और DVD के बाद हमारे पास RAM, RMG 100 पीस, RAM के बाद हमारे पास है माउस, RAM के 100 पीस, माउस के बाद हमारे पास कीबोर्ड है RMG गोडाउन। ये जो लोकेशन दिख रहा है, ये लोकेशन जो है जहाँ पर सामान है, और ये लोकेशन बता रहा है जहाँ पे हमें सामान भेजना है असेंबल के लिए। सो 100 पीस देते हुए हम जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास बचा है कैबिनेट, तो कैबिनेट को हम सेलेक्ट करके RMG को ऐड करेंगे, 100 पीस करके सेव करेंगे उसको। यहाँ पे हम देख सकते हैं 9 हमारे पास आइटम है, इसको हम यहाँ पे कुछ और नहीं करना है, इसको हमें सेव करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिख दिया हमने बींग ट्रांसफर्ड मटेरियल टू असेंबलिंग गोडाउन और इसको हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे सेव हो चुका। अब तीसरा प्रोसेस होगा हमारे पास प्रोडक्ट बनाने वाला। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है,
जैसे एक इसका क्वेश्चन ये हो सकता है कि कंपनी लिस्टिंग प्रोडक्ट ऑफ कस्टमर ड्यूअल कोर, या जो भी कंप्यूटर आप बना रहे हो वो कंप्यूटर का नाम। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक आइटम बनाना होगा। हमें आइटम बनाने के लिए हम इन्वेंट्री इन्फो का इस्तेमाल करते हैं, और स्टॉक आइटम पे जाएंगे, क्रिएट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हम कंप्यूटर का नाम देंगे। तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर का नाम दे दिया, कंप्यूटर ड्यूअल कोर, कंप्यूटर ड्यूअल कोर जो कंप्यूटर का नाम रहेगा। और यहाँ पर अल्ट के साथ सी करके यूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा सामान बना रहे हो। तो यहाँ पे दो फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का अर्थ यहाँ पर ये यह हो जाएगा तैयार सामान। इसको हम सेव कर लेंगे, इसको हमने सेव कर लिया पीस में। और यहाँ पर हमें एक और काम करना होगा, प्रेस करना होगा F12 बटन। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, हमें प्रेस करना होगा F12। ओके, वापस आते हैं। देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ को यस करना होगा, इस कहते हैं हम लोग BOM, इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल बिल्स ऑफ मटेरियल। इसको यस करेंगे हम, इसको हम सेव करते हुए जाएंगे। यहाँ पे ये यह ऑप्शन एक नया इंक्लूड हो जाएगा, सेट कंपोनेंट BOM, इसको हम यस कर लेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। और यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम जो हमारे पास आइटम होगा हम यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे और नया लुक ओपन हो जाएगा। तो हमें यूनिट कितना लेकर के मैन्युफैक्चर करना है वो हम प्रेस करते हैं। तो हमें एक एक यूनिट लेकर के मैन्युफैक्चर करना है, और सारे आइटम को यहाँ पर हम, जैसे कि एक कंप्यूटर बनाने में हम कितना सामान यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर लिस्ट ऐड करते हैं। तो पहले हम देते हैं मॉनिटर, एक एक पीस बनाने में कितना सामान लगेगा। तो ये हमारे पास RMG गोडाउन से हट करके असेंबलिंग गोडाउन में है, तो असेंबलिंग को प्रेस करेंगे और एक एक क्वांटिटी लेते हुए सबको हम सेलेक्ट करेंगे। मैंने ले लिया मदरबोर्ड, असेंबलिंग गोडाउन, क्योंकि हमने RMG गोडाउन से हमने ट्रांसफ़र कर दिया था असेंबली में, तो असेंबलिंग गोडाउन में सामान है। मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, वन पीस, जितना भी हमारे पास सामान होगा यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हुए जाएंगे और एक एक पीस हम ऐड करते हुए जाएंगे। और एक बात को ख्याल रखिए कि कोई आइटम इसमें से छूटे ना, अगर आइटम छूटता है तो आपके अमाउंट पे फ़र्क आ जाएगा, वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसको हम सेव करते हुए जाएंगे, माउस असेंबलिंग गो डाउन, वन पीस, हमने कीबोर्ड ले लिया, असेंबलिंग गो डाउन, वन पीस, एक लास्ट हमारे पास कैबिनेट। सो कैबिनेट सेलेक्ट किया, एक एक पीस, इसको हम पूरा सेव कर लेंगे। हमने सेव किया, हमारे पास एक सामान बन चुका है। और अब हम बैग जाते हैं, बैक जाने के बाद हमारे पास जो लास्ट प्रोसेस होगा वो होगा, अब पूरा असेंबल करेंगे हम। यहाँ पर हमने पहले हमने रॉ मटेरियल परचेस किया, उसको हमने ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने के बाद हमने एक आइटम को एक आइटम क्रिएट किया। आइटम क्रिएट करने के बाद अब पूरा पूरा उसको मैन्युफैक्चर करेंगे कि एक पीस को बनाने में कितना लागत आया, इतने कितना कास्ट पड़ा, और टोटल अपना हम खर्च भी जोड़ेंगे कि कितना उस पर वेजेस आया, ओवरहेड आया, और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जोड़ते हुए हमें मालूम चल जाएगा कि एक पीस का दाम कितना आया। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बैग जाते हैं पूरा पूरा अकाउंट इन्फो, और बाउचर टाइप पे फिर से वापस जाएंगे। बाउचर टाइप पर जाकर करके यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर हमें सेलेक्ट नहीं करना है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास बाउचर टाइप, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जर्नल, इंटरफेस करके इसको हम नीचे आएंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम स्टॉक जर्नल। और यहाँ पर हमें एक ख्याल रखना होगा, यहाँ लिखा हुआ है यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, सो इसको हम यस प्रेस करेंगे, और यस प्रेस करके इसको हम सेव करेंगे। जब ये सेव हो जाए
उसके बाद हम बैग जाएंगे। बैग जाने के बाद हमें क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर जाना है। अकाउंटिंग वाउचर पर जा करके हमें फिर से वही काम करना है, प्रेस करना है अल्ट के साथ F7, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक जनरल। सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ प्रोडक्ट, सो स्पेस प्रेस करेंगे, और जो हमारे पास ये सामान है जो हमें बनाना है कंप्यूटर ड्यूअल कोर्स, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सब हमारे पास आइटम का लोकेशन आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। और अब यहाँ पर दिख रहा है कि लोकेशन कौन सा, तो हम स्पेस प्रेस करेंगे। शॉप में हमें ऐड करना है कितना, 100 पीस। देखिए हमारे पास पूरा पूरा ये लिस्ट हमारे पास सामने दिख गया कि मॉनिटर है, असेंबलिंग गोडाउन में है, और इतना टोटल उसका प्राइस। अब यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल हमें दिख रहा है कि इफेक्टिव कॉस्ट, मैं दिखा दूँ इस चीज़ को, कोई एडिशनल कॉस्ट लगा है तो उसके बारे में बात की जाएगी, इफेक्टिव कॉस्ट क्या आएगा उसके बारे में बात की जाएगी, अलोकेशन टू प्राइमरी आइटम कितना आएगा। तो अभी फिलहाल देख सकते हो कि आपके पास 15,630 रुपये पर पीसेस है। सो इसको हम इंटरफेस करेंगे क्योंकि इसको इस पर काम करने पर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी आया है, सो उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर हमें उस आइटम की बात करनी होगी, आइटम के बाद मतलब यहाँ पे लेज़र गेम बात करेंगे। जैसे कि आपके पास कैरिज लगा है तो आप कैरिज भी जोड़ो, और वेजेस आया है तो अल्ट साथ सी प्रेस करो, एक लेज़र बनाओ। वेजेस नहीं, मजदूरी की बात कर रहे हैं, मैं वेजेस एक्सपेंसेस कर दो यहाँ पे, वेजेस एक्सपेंसेस, इसको हमने डायरेक्ट भी कर लिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमें इस पे इंटरफेस करके आएंगे, इस पे लागत जो आई है 10,000 रुपये आया, और अल्ट के साथ सी प्रेस किया। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंस यानी लागत इस पे जो आई इंजीनियर लोग की, मतलब कई चीज़ों की, इसमें बिजली बिल आ गया और सामान को ट्रांसफ़र करना इधर उधर, तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस में जो लागत आएगा वो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो हमारे पास वो रहा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अगर डायरेक्ट रहेगा तो भी हम डायरेक्ट डायरेक्ट कर देंगे, इनडायरेक्ट रहा तो इनडायरेक्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस रहा वो रहा टोटल 15,000 रुपये, 15,000 नहीं है टोटल, हम इसको 25,000 कर लेते हैं, ये पूरा लागत के साथ आया। अब ये देखो जो हम यहाँ पे ऐड करते हैं ना, ये तो पर पीसेस में जाता है, ठीक है, टोटल जोड़ करके। तो अभी आपके पास दिख सकता है कि हमने वेजेस जोड़ा 10,000, एक्स्ट्रा एक्सपेंस जोड़ा 25,000, तो टोटल अभी भी आपके पास यहाँ सेफ है कि 15,980 रुपये पर पीसेस। तो इस तरह से ये मालूम चल जाता है कि आप कितना पीस खरीदो सामान। यहाँ हमारे पास दिख रहा है कि हमने 900 पीस सामान खरीदा, और 900 पीस यानी पर आइटम हमने 100 100 पीस खरीदा था। हमारे पास इतने सारे आइटम हैं फिर भी हमें ये मालूम चल गया कि एक पीस को बनाने में लागत क्या आया, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप ऐड करना चाहो कि कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का कुछ प्रॉफिट ऐड करना चाहते हो तो आप इस इसको यहाँ पे ये ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा 15,980, तो कंपनी का जो बेनिफिट होगा उसको भी कुछ आप ऐड करना चाहो तो फाइंड कर सकते हो, ठीक है, बेनिफिट वाला भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो एडिशनल कॉस्ट में उसको। चलो तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, इसको हम इंटर करके सेव कर लेंगे। हमने लिख दिया बीइंग बीइंग पर पीसेस आइटम, इंटरफेस करके सेव कर लेंगे। अब इसको हम इंटरफेस करके बैग जाएंगे। बैग जाने के बाद यहाँ पर देखो हमें सामान खरीदा था तो हमें एक और काम करना होगा, पेमेंट तो करना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले हमें इसका रिपोर्ट देख लेते कैसा रिपोर्ट है। तो डिस्प्ले पर जाएंगे हम, डिस्प्ले पर जाकर यहाँ पर डे बुक लिखा हुआ है, डे बुक पर क्लिक करेंगे। इंटरफेस किया हमने, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमने परचेस किया था पहले सामान, ये आपके पास लिस्ट है। देखो आपके कीबोर्ड पे दो बटन होंगे, पेज अप और पेज डाउन, तो आप पेज डाउन का इस्तेमाल कर लो और आपको बारी बारी सारे आइटम दिख जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास मैन्युफैक्चर मटेरियल था, और ये हमारे पास ट्रांसफर वाला मटेरियल था, और ये हमारे पास परचेस वाला आइटम था। सो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस हमें करना है, अकाउंटिंग वाउचर जाएंगे, इंटरफेस करेंगे, जिनसे हमने सामान खरीदा था उनको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद तो लेकिन अभी जो आपने सामान बना लिया है इस सामान को आप बेच भी दीजिए। चलिए तो हम इसको बेचने के लिए क्या करेंगे, प्रेस
प्रेस करेंगे F8 और बिल नंबर हमारे पास एक नया है, नया बिल नंबर हमारे पास है 133333। एंटर प्रेस किया, हमें यह सामान बेचना है महिंद्रा महिंद्रा टेपको में सामान बेचना है और सन्डे डिफ्टर हो जाएगा ये, क्योंकि ये पाने वाला बंदा है। इसको से इंटरफेस का सेव किया, सेल्स का एक लेजर बना लेंगे आरएल के साथ, सी प्रेस करके सेल्स अकाउंट और इंटरफेस करके हम सेव कर लेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सब मटेरियल आपका ब्लैंक हो चुका है, आपके पास टोटल है कंप्यूटर 12 कोर। तो इंटरफेस करेंगे, आपके पास 100 पीस हैं और 100 पीस किस में, शॉप में पड़े हैं। सो आप शॉप को ही सेलेक्ट करेंगे, ना कि आप आरएमजी को, ना कि मेन लोकेशन, ना कि असेंबलिंग गोडाउन। सो आपके पास जहाँ सामान रहेगा जिस गोडाउन में, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। और मान लीजिए महिंद्रा से आपको ऑर्डर मिला है 40 पीस का, तो आपने 40 पीस दिया और रेट आपके आपके पास था 15,000, तो उस पर आप कास्ट जोड़ करके इसको आप बेचना चाहते हो, तो आप जो बेनिफिट रखना चाहते हो कंपनी अपना रख सकती है, ठीक है। तो इसको हम बेच रहे हैं 20,000 रुपये में, हमने इसको सेव कर लिया और इंटरफेस करके इसको सेव करेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर कुछ टैक्स वगैरह लगाना चाहते हो तो टैक्स लगा सकते हो, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको आप देख सकते हो यहाँ पर, इसको हम लिख देंगे बीइंग सोल्ड आइटम टू महिंद्रा ऑन क्रेडिट। इंटरफेस करके हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमें क्या करना है, F6 प्रेस करना होगा और महिंद्रा से हम पैसा ले लेते हैं 8,00,000 रुपये। अगर कैश होगा तो कैश से ले लेंगे और जो भी होगा ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखिएगा, न्यू रेफरेंस हम नहीं करते हैं। न्यू रेफरेंस हम क्यों करेंगे, हमें यूज़ करना है अगेंस्ट, क्योंकि एक बार हमने इसे काम कर लिया, जब हम अगेंस्ट पे क्लिक करते हैं ना, अगेंस्ट रेफरेंस पे, तो हमें पेंडिंग बिल मिल जाए, मालूम चल जाता है कि यहाँ पे पेंडिंग बिल है, किस डेट में है। यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो डेट है, ये रहा बैलेंस, ये रहा फाइनल बैलेंस। इंटरफेस करेंगे, यानी उस बंदे से हमने, महिंद्रा जो टेक कंपनी है, इससे जितनी बार हमने सामान खरीदा बेचा है, तो वो हमारे पास अगेंस्ट वाली वैल्यू दी जाती है, ठीक है। इसको आप इंटरफेस का सेव करो, आप इसको कैश के माध्यम से ले रहे हो, कैश के माध्यम से ले लिया आपने। अब यहाँ पे लिख दो बीइंग फुली रिसीव कैश बाय महिंद्रा, ठीक। इसको हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर ये प्रोसेस हो चुका, सो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में वापस जाएंगे। अब जिनसे हमने सामान खरीदा है उनको पेमेंट करना होगा, तो आप बारी बारी पेमेंट भी कर सकते हो और कुछ कुछ पेमेंट भी कर सकते हो। देखो टेक के पास से पड़ा कितना है, 19,18,000, तो हमारे पास कुछ सामान बेचा है, बिका है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम काम कर लेते हैं, कुछ पैसे इनको बेच दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया इनको 8,00,000 रुपये दे दिए इनको, और ये हम देते हैं कैश के माध्यम से। तो अब देखो ध्यान से, अभी इनका जो बाकी राशि है 11,18,000 रुपये में देना पड़ेगा, उसको हम सेव कर लेते हैं। बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड टू टेक कंप्यूटर बाय कैश, इसको इंटरफेस करके हम सेव करेंगे। तो ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका रिपोर्ट देखना हो तो आप डबल डी प्रेस करो, और यहाँ पर आपके पास पूरे रिपोर्ट दिख रहे हैं। और इसका आपको स्लिप निकालना हो तो आपको प्रिंट करने का तरीका मालूम होगा, आरएल के साथ पी प्रेस करिएगा और यहाँ पर लिखा हुआ कि प्रिंट कर, आपको प्रिंट पे भी चेक करना है। अगर प्रिंट पे भी ऐसा ना दिखे यहाँ पे, तो आप आरएल के साथ आई प्रेस करना, ठीक है। आरएल के साथ आई प्रेस करोगे तो वो आपको दिएगा प्रीव्यू, अगर दिखता है तो फिर आप प्रेस करना वाई, यस होगा, फिर अल्ट के साथ जेड प्रेस करना, ये आपको दिख जाएगा जूम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका टोटल अमाउंट, यहाँ पे देख सकते हो कि ये रिसीवर का सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएगा और ऑथराइज का सिग्नेचर हो जाएगा। सो अब हम वापस जाते हैं,
यहाँ पे ये वीडियो का एंड है। आपको भी ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो अपना कमेंट ज़रूर करें, अपना सुझाव ज़रूर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर करें। थैंक यू।